हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सेकंड स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट देखने वाले हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, लिंग। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, वचन ये टॉपिक देखा था। वो टॉपिक आपको समझ में आया था? हाँ यस। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, लिंग देखने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 24 पे आपको दिया है, देखो लिंग। तो आज हम लिंग ये टॉपिक देखने वाले हैं। लिंग, तो हम लिंग की पहले परिभाषा समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या है लिंग की डेफिनेशन? किसी जो शब्द से हमें किसी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है। मैंने क्या बोला अभी, कि जिस शब्द से हमें किसी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग। इसमें सिर्फ कोई व्यक्ति ही नहीं होता, तो कोई वस्तु, पशु, पक्षी, प्राणी आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। आपको समझ में आया डेफिनेशन, कि क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं। हम आज वही दो प्रकार आज हम लिंग के देखने वाले हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं, तो एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुलिंग। कौन से दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग, ये लिंग के दो प्रकार है। पुलिंग और स्त्रीलिंग, ये लिंग के दो प्रकार है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके पहले ये लिंग समझ लेते हैं। देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे कि देखो, पिताजी बाहर गए हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पिताजी बाहर गए हैं। कौन सा एग्जाम्पल लिखा बेटा मैंने ब्लैक बोर्ड पे, पिताजी बाहर गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, माँ कपड़े धो रही है। माँ कपड़े धो रही है, मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे। हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेड़ हवा से गिर गया। पेड़ हवा से गिर गया। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है। क्या एग्जांपल लिखा मैंने, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, दादी रामायण पढ़ रही है। दादी रामायण पढ़ रही है। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। हम पहले एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। पिताजी बाहर गए हैं, माँ कपड़े धो रही है, पेड़ हवा से गिर गया, तुम्हारी घड़ी कहाँ है और दादी रामायण पढ़ रही है। देखो, इस एग्जांपल्स में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे पिताजी, माँ, पेड़, घड़ी और दादी। देखो, पिताजी, पेड़, ये दो शब्द हमें क्या दर्शाते हैं, हाँ, पुलिंग होने का बोध होता है हमें इस दो शब्द से। पिताजी और पेड़, ये दो शब्द से हमें पुलिंग होने का बोध होता है। और देखो, माँ जैसे कि घड़ी और दादी,
ये तीनों शब्द से हमें स्त्रीलिंग होने का बोध हो रहा है। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो, पिताजी और पेड़, ये दोनों शब्द से हमें पुल्लिंग होने का बोध हो रहा है। और माँ, दादी, जैसे कि घड़ी, ये शब्द से हमें क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग होने का बोध हो रहा है। तो हम पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा समझ लेते हैं। लिंग के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कौन से दो प्रकार है बेटा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा पहले समझ लेते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी? कि पुरुष जाति का बोध होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। देखो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ पुल्लिंग की। पुल्लिंग क्या डेफिनेशन है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि देखो, अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था। क्या देखा था? हाँ, पिताजी बाहर गए हैं। ये एग्जांपल हमने देखा था ना, उसमें पिताजी ये शब्द हमें पुल्लिंग होने का बोध हो रहा था ना, पिताजी ये शब्द से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे पिताजी, और हाँ घोड़ा, ये शब्द में पुल्लिंग होने का बोध होता है ना, घोड़ा ये शब्द से, घोड़ा और पिताजी। उसी तरह हम स्त्रीलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। स्त्रीलिंग, देखो हमने पुल्लिंग की डेफिनेशन में क्या देखा है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो स्त्रीलिंग की डेफिनेशन में क्या आएगा? हाँ, यस, करेक्ट। हाँ, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या डेफिनेशन देखी है हमने? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है पिताजी, तो अभी पिताजी का स्त्रीलिंग में क्या होगा? एस, करेक्ट, माताजी। जैसे माताजी, घोड़ा, इसका क्या होगा स्त्रीलिंग? घोड़ी। आपको समझ में आया क्या दो डेफिनेशन? देखो, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी हमने डेफिनेशन देखे हैं और कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे पिताजी, घोड़ा, ये पुल्लिंग के है, और माताजी, घोड़ी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। हम और कुछ एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखती हूँ, और आपको पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं, और हमें उसको स्त्रीलिंग बनाने हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग,
हमें कुछ पुल्लिंग के शब्द हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पे दिए हुए और हमको उनको बदलना है, किसमें? स्त्रीलिंग में बदलना है, मतलब कि उनका हमें लिंग बदलना है। तो देखो हम देखते हैं, अभी यहाँ पे लिखा मैंने लड़का, क्या लिखा बेटा मैंने ब्लैकबोर्ड पे? लड़का। तो लड़का ही शब्द का स्त्रीलिंग हमें बनाना है, क्या होगा? हाँ यस, लड़की। क्या होगा? लड़का, लड़की। देखो मैं और कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ यहाँ पे, भाई, भाई इस शब्द का क्या होगा? हाँ बहन। क्या होगा? बहन। और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मुर्गा, मुर्गा। हाँ यस, मुर्गी। दादाजी, दादाजी। चलो अब आप बनाओ, इसका लिंग बदलो दादाजी का। हाँ यस, स्त्रीलिंग में क्या होगा? दादी जी। दादाजी, दादी जी। आदमी, आदमी। देखो आदमी शब्द का लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत, औरत। राजा, चलो आप बताओ राजा ही शब्द का लिंग बदलो। हाँ यस, रानी। क्या होगा? राजा, रानी। हिरण, हिरण। अभी आप सोच रहे होंगे हिरण इस शब्द का, चलो लिंग बदलो हिरण का, क्या होगा? समझ में आपको क्या होगा? तो यस, हिरनी, हिरण, हिरनी। देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, हम और एक बार समझ लेते। जैसे कि लड़का, ये शब्द हमें पुरुष जाति होने का बोध हो रहा है कि नहीं? लड़का इस शब्द से हमें पुरुष होने का बोध हो रहा है, तो लड़का इस शब्द का लिंग हमने बदला, स्त्रीलिंग में क्या होगा? लड़का, लड़की। भाई, बहन। मुर्गा, मुर्गी। दादाजी, दादी जी। आदमी, औरत। राजा, रानी। हिरण, हिरनी। अब हम यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग के शब्द लेते हैं और उसके हम पुल्लिंग करते हैं। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था? पुल्लिंग, पुल्लिंग वाले शब्द लिए थे और उसको स्त्रीलिंग में बदला था। अभी हम यहाँ पे स्त्रीलिंग के कुछ शब्द ले रहे हैं और उसको पुल्लिंग में बदलेंगे। चलो तो देखो, चूहिया, पहला शब्द मैंने लिखा यहाँ पे चूहिया, चूहिया। इस शब्द का हमें लिंग बदलना है, कौन सा लिंग बदलना है? ये चूहिया, ये शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका हमें लिंग बदलकर उसको पुल्लिंग बनाना है। तो क्या होगा चूहिया का? हाँ चूहा, चूहा। जैसे कि सुनारी, सुनारी। ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें लिंग बदलना है, क्या होगा? सुनार, सुनारी, सुनार। बेटी, देखो बेटी, बेटी ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें पुल्लिंग करना है, तो क्या होगा? बेटा, बेटी, बेटा। मालकिन, मालकिन। इस शब्द का लिंग बदलो आप, चलो क्या होगा मालकिन ये शब्द का पुल्लिंग? हाँ मालिक। और शब्द हम लेते हैं जैसे कि घोड़ी, घोड़ी, घोड़ा। सेठानी, सेठानी, सेठ, सेठानी। इस शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? सेठ। नौकरानी, नौकरानी।
नौकर। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्त्रीलिंग के शब्द लिए पहले और उसको पुल्लिंग के शब्द में बदल दिया, हमने उसका लिंग बदला। यहाँ पे हमने क्या लिए थे, पहले पुल्लिंग के शब्द लिए थे और उसको स्त्रीलिंग में बदला था। आपको लिंग समझ में आया, दो प्रकार होते हैं लिंग के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि हमको पुल्लिंग के शब्द दिए होंगे तो हमको उसको उसका लिंग बदल के स्त्रीलिंग बनाना होता है, और अगर हमें स्त्रीलिंग का शब्द दिया होता है तो उसका लिंग बदल के हमें पुल्लिंग में बनाना होता है। समझ में आया आपको? जैसे कि देखो, लड़का लड़की, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, दादाजी दादी जी, आदमी औरत, राजा रानी, हिरण हिरनी। और हमने स्त्रीलिंग में क्या लिया था, चूहिया। चूहिया का पुल्लिंग क्या हुआ, चूहा। सुनारी सुनार, बेटी बेटा, मालकिन मालिक, घोड़ी घोड़ा, सेठानी सेठ, नौकरानी नौकर। आपको समझ में आया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? हाँ, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पे आपको क्या है, यहाँ पे कुछ पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं और उसको स्त्रीलिंग में आपको बनाना है, और ये सब आपको आपके नोटबुक में भी लिख लेने हैं एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू।